हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज है ना, थोड़ा बारिश का मौसम हो गया है और मैं बहुत जल्दी सुबह नहा चुकी थी क्योंकि आज मुझे ना थोड़े ज़्यादा काम है। मतलब ऐसे कोई काम नहीं है कि जो बाहर जाके करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही काम है घर का। तो सबसे पहले तो ना मैं ऑल्ट्रेशन का काम करूँगी और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा ऑल्ट्रेशन का काम करने। और उसके बाद है ना थोड़ा मैं ये जो गमले हैं, पौधे वधे हैं ना, थोड़ी बारिश हो गई थी जिसकी वजह से ना बड़े किचिर किचिर से हो गए, उनको थोड़ा सही कर लूंगी। मैं ऑल्ट्रेशन काम जैसे ही करने जा ही रही थी, मेरी बेटी ने कर दिया पॉटी और मेरे कपड़े हो गए खराब, जिसकी वजह से मुझे कपड़े चेंज करने पड़े और फिर मुझे उसे फिर से दूध वगैरह पिलाना पड़ा। और हस्बैंड ऑफिस निकल गए, बेटा मेरा सो रहा था, आज वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके पैर में मेरी बेटी ने मार दिया। उसे तो एक बहाना चाहिए स्कूल ना जाने का। और ये मैं करने लगी ऑल्ट्रेशन, किसी स्कूल का यूनिफॉर्म था। वैसे तो मैं ऑल्ट्रेशन नहीं करती हूँ, लेकिन जिनका ये है वो कंटिन्यू मेरे पास ही सिलाई करवाते हैं, तो इसी वजह से है ना मैंने ना उनको मना नहीं किया। और है ना क्या हो गया कि भगदड़ भगदड़ इतनी ज़्यादा मच जाती है ना कि उस चक्कर में ना मेरे पैर में फिर से लग गई चोट, क्योंकि बेटी बार बार आवाज़ मार रही थी। और है ना अब थोड़ा बाहर का मौसम थोड़ा सा सही हो रहा है, उसके पहले ना मैं कुछ खाने का बना लूँगी। आज मैं आपको खाने का कुछ भी शेयर नहीं करने वाली हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने कुछ इतना खास नहीं बनाया है जो कि आपको बताया जाए, क्योंकि आप लोग भी डेली अपने घर पर वही खाते हैं रोटी और सब्ज़ी, तो मैंने भी बस रोटी और सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा इसको शेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए मैं फिर से वही सब काम छोड़ के थोड़ा सा खुद खा के और अपना मेडिसिन वगैरह ले के, मैं होम्योपैथी का मेडिसिन लेती हूँ, ये मेरे को वन साइड बॉडी पेन रहता है ना इसलिए, तो और फिर अपने इसी वाले काम में मैं लग गई हूँ। वीडियो में तो कंटिन्यूटी दिख रही होगी लेकिन मैं रुक रुक के काम कर रही हूँ। अब ऐसे ही ये बाकी कर लूँगी और अब मैं चल रही हूँ बाहर गमले का काम करने के लिए। मैंने फिर से है ना कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उन कपड़ों में ना लग जाते ज़रा सा भी मिट्टी के दाग तो निकलते नहीं है। ये है मूंगफली का पौधा, मैंने बहुत पहले उगाया था, कम से कम 2-3 महीने हो गए इसको। मैं कोई भी चीज़ें ना राशन वगैरह जब भराते हैं ना तो थोड़े बहुत जो दाने वगैरह गिर जाते हैं ना, चावल के, उड़द के, दाल के, जो भी राशन के गिर जाते वो उठा के मैं यहाँ पे रख देती हूँ कि जैसे चिड़िया वगैरह है ना वो खा लें घर के, लेकिन उसी में से लगता है कोई मूंगफली का दाना गिर गया होगा और है ना मूंगफली का पौधा उगाया है। मैंने इसको पहले मेथी का समझा था कि भैया मेथी का साग उगेगा, मैंने कुछ दिनों तक इंतजार किया लेकिन इसमें मेथी साग जैसा कुछ दिखा नहीं, ये पत्तियां बड़ी बड़ी दिखी और देखिए इसमें मूंगफली निकल आए हैं, जो मैं देख के इतनी ज्यादा खुश हुई मुझे। और मैंने बोला यार सब, मुझे किसी ने कहा कि सोनी है ना मूंगफली का पौधा है तो मेथी मेथी बार बार सोच रही हूँ, मेथी के जो पत्ते होते हैं इतने टाइट नहीं होते, तो ना मैंने जैसा अभी आपको एक दिखा दिया, मैं आपको ना दूसरा भी दिखाती हूँ एकदम नजदीक से, आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रही है करके, लेकिन सच में ये ना मूंगफली का ही पौधा था। देखिए एकदम मैं जड़ से जैसे मैंने वो वाला उखाड़ा वैसे मैंने ये उखाड़ा, देखिए इसमें भी निकला है। इसमें ना कुछ छोटे छोटे अंदर ही रह गए थे, मतलब रह गए होंगे, मैंने भी अंदर देखो ऊपर ऐसे देखेंगे ना आपको तो साइड में से दिख रहा होगा वो है ना, अभी मैं जब पूरा मिट्टी खोदूंगी ना तो निकलेंगे, लेकिन मैं सोच रही क्या करना है, बस देखिए इसमें से 2 निकल आए ना और कुछ भी अंदर रह गए होंगे, क्योंकि ना क्या होता है इसमें ना उगा देते हैं ना तो वो अंदर धस जाता है ना तो पता नहीं चलता। और हमारे इधर है ना नालायक ऊपर पहाड़ी लोग रहते हैं, वो लोग ना इतने बदमाश है, जानबूझ के कार का धक्का मार मार के ना ये जो मेरा बनाया हुआ छोटा सा है ना इसको तोड़ देते हैं। तो कुछ आपको देखने में तो मूंगफली कितनी अच्छी लग रही होगी ना, मैं इसको आपको खा के बताऊंगी। देखिए जो पहले वाला मैंने तोड़ा था ना उसमें से कम ऐसे 10 निकले, ज्यादा ही है इसके अंदर, छोटे वाले भी हैं, तो खा के दिखाती हूँ। ये मैंने ला के अंदर रख दिया था और अभी मेरा बेटा लेकर आ गया है फिर, क्योंकि ना मेरे कपड़े फिर से गंदे हो गए थे तो मैं चेंज करने लगी। और ये देखिए ये है ना, थोड़ा पीछे चले जाओ तोड़ के दिखाना है, आगे आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ ये देखिए ऐसा है, इसको धो के लाओगे? धो के लाओ, देखिए ये ना धो के लेके आया है इसको, इसको तोड़ो तो जरा, एक मुझे दो। हाँ जिससे भी तोड़ सकते तोड़ो। देखो खाओ, व्हाइट कलर का। हाँ खाओ खाओ, अच्छा है? अच्छा बहुत है लेकिन हल्का सा कच्चा है। हाँ तो कच्चा तो रहेगा ही ना, उगा है तो। अब मैं आकर दिखाती हूँ कैसा है। देखिए पहले तो ये देखिए इसके अंदर है ना ऐसा मूंगफली निकला है जो कि कच्चे फॉर्म में है। ये देखो है ना, मम्मा नहीं।
एकदम इस तरीके से निकला है, इसके जो छिलके हैं ना गुलाबी गुलाबी रंग के। और खाने में भी स्वाद कच्चे मूंगफली का है, मतलब जो मूंगफली को आप भिगो दोगे ना और खाओगे वैसे ही टेस्ट है। जो छील के लाया है ना तो ऐसे कप फॉर्म में कुछ दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना। कैसा है? कैसा है? अच्छा है। अच्छा है? और चाहिए? और चाहिए? अच्छा। तो मैंने भी खाया, बेटी ने भी खाया, बेटे ने भी खाया, हमको अच्छा लगा। कुल मिला के मिला जुला के दोनों पौधों को 16 निकले मूंगफली। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।